कहा था ना, साथ रहकर भी साथ नहीं रहोगे। एक दूसरे की चीखे तो सुनोगे पर देख नहीं पाओगे। बहुत अभिमान है ना तुम्हें अपने पतिव्रत पर। स्मरण है पहली बार तुम्हें जहां लाया गया था वही दशा करूंगा मैं तुम्हारी। रानी से कनिका बनाऊंगा तुम्हें। पतिव्रता से पतिता बनाऊंगा मैं तुम्हें। जीवन आपको संसार में सबसे अधिक सम्मान किया। आपके अपमान के लिए अनुसुईया की निष्ठा का बलिदान किया। कितनी बार समय ने हमारे संबंध की परीक्षा ली, हमने सब पार की। एक राजा से पहले एक भाई बनकर खड़े रहे हम। हमारे संबंध की हत्या तो आप कर ही चुके हैं शिवदश्री, पर पौरव राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम उनसे एक विनती कर रहे हैं। पौरव राष्ट्र की परंपरा पर घात मत कीजिए। स्त्री का मान सर्वोपरि है। अवश्य, और वो स्त्री का मान सर्वोपरि है, पर मैंने इसे कभी और माना ही नहीं। घृणा है मुझे तुमसे और तुम्हारे रक्त से। जिस देह में तक्षशिला का पवित्र रक्त हो ना, तुम केवल महारानी बनी बल्कि अपने पवित्र रक्त से एक और पीढ़ी को जन्म दे बैठी। लगा था कि 21 वर्ष पूर्व मैंने उस रक्त के कलंक को धो दिया, पर तुम लौट आए इस विचार के साथ कि तुम्हारा गुरु और राष्ट्र का सिंहासन हासिल करेगा। सोचा भी कैसे अनुसुईया तुमने। क्या लगता है एकमात्र तलवार उठा लेने से कोई योद्धा बन जाता है? योद्धा बनने के लिए तमनियों में किसी योद्धा का रक्त आवश्यक चाहिए होता है। और तक्षशिला वासियों की देह में बेहतर रक्त ही अपवित्र है। वेश्याओं की संतानें कभी योद्धा नहीं बनती। तुम भाग्यशाली थी कि तुम पौरव राष्ट्र की महारानी बनी, वरना तुम किसी राजा की दासी बनने के भी योग्य नहीं थी। तुम पात्र हो तो केवल इस कारागृह में रहने के, इसलिए अपनी मृत्यु तक सड़ो इस कारागृह में और कोसो उस पल को जब तुमने पौरव राष्ट्र का भाग बनने का सोचा था।